सब पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं इट्स मी हमजेन यू आर वॉचिंग एच टी रेट्स वेलकम बैक टू दैनल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैर खैरिए से होंगे इन्जॉय कर रहे होंगे और हम बात करने वाले हैं वीडियो की जिसका टाइटल है अबे जाए लो स्टार्ट में ही बेजती अबे जाए लो भारत हमसे दो साल आगे है कॉटेड में है ये स्टेटमेंट है एक पाकिस्तानी का और लिखा हुआ है ये पाकिस्तानी बारह बार इंडिया आ चुके हैं तो देखते हैं ज़रूर कोई होगा जो कि रो मतलब रोज तो नहीं मतलब हर साल या हर दो तीन साल बाद उसका आने जाना होता होगा तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और जाहिर सी बात है किसी ने उससे कोई क्वेश्चन किया होगा तभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो शुरू करते हैं सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस कर लो नई नई चीज़ें सजेस्ट करो वीडियो है जनाब ये इंडिया इंडियन मीडिया लेटेस्ट से लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसको चेकआउट करना अगर अब तक ये वीडियो नहीं देखा हुआ आई होप सो देख चुके होंगे क्योंकि हमारा कैजुअल इंतहा का बिगड़ा हुआ है हम करंट अफेयर्स में भी बहुत पीछे रह गए हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें किस तरह से दोबारा ट्रैक पर आएँ कोशिश कर रहे हैं मुझे वो हमारे एक आर्यन भाई हैं वो इंस्टा पे कह रहे थे कि भाई वो शायरी कब लाओगे तो यार क्या करूं मतलब लिटरली माइंड से स्किप हो जाता है जब आप मैसेज करते हो तभी याद आता है तो बहरअल वीडियो देखते हैं मैं कोशिश करूँगा जल्दी सबकी रिक्वेस्ट लाने की देखते हैं थ्री टू वन एन इस कॉम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती तो 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 मुल्क में तरक्की कितनी है पता नहीं। फिलहाल तो जीरो नजर आ रही है ओ, हो जिसके आबाजा ने आठ सौ साल तक कामयाब हुकूमत की झूठ आठ सौ साल तक अफगानियों ने ईरानियों ने पासपोर्ट चेक होता है भारतीय क्यों नहीं बनती वो इनकी इज्जत करते हैं हमारी बेकारियों की इज्जत ही कोई नहीं है तो हमारे वजीर आजम कहते हैं हम बेकारी हैं तो हमारी इज्जत क्या हो गई? तो अब भी इन पाकिस्तानियों को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास चुल्लू पर पानी है ना तो उसमें डूब के मर जाओ वाह पाक चीन दोस्ती पे मिसाल है हिमालय से ऊँची रुको जरा हमारी से कह रही है समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है भाई चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब की जगह चाइना के, के मुसलमानों लोग हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरे हाल क्या बात है पाकिस्तान को तो कहीं भी एंट्री होने की इजाजत ही नहीं है अब भी सबक सीख लो अब भी समझ जाओ अभी भी आंखें खोल लो वक्त है बहुत नाजुक सूरत हाल है मेट्रो को लेके चल रहे हैं। हमने मेट्रो बना ली भाई मेट्रो अचार लिया है मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है आटा रोटी इसी के पीछे नवाशी साहब तीन मरतबा होने के बाद वो कह रहे हैं जी हमने चौथी मरतबा फिर बनना है तीन मरतबा आपने क्या करा है उसका तो जवाब दे दो ये अमीर हुक्मरान है जिन्होंने अपना इलाज अपनी कौन के पैसों से करवाया और डिकार तक ना ली यही तो कयामत है इंसान के बच्चे बन जाओ नहीं तो बेड़ा गर्क तो तुम्हारा हो ही गया और नहीं तो नाम निशान जाएगा अकाउंट पे एक वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो ये है की इंडियन इंजीनियर जाते नीचे देखिए चाइना के एयरपोर्ट पे जाते वहां मशीनों के सामने अपने इंडियन पासपोर्ट को स्कैन करते हैं देखिएगा और वहाँ पर मशीनें हिंदी बोलने लग जाती है तो इंडियन से पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है हमालिया से ऊंची माशा ये शुक्र करे की पाक चीन दोस्ती हमें लेके चल रही है पाक चीन दोस्ती बेमिसाल शहद से मीठी हमालिया से ऊंची लेकिन जैसे उनके एयरपोर्ट पे हमने देखा की उनकी मशीन हिंदी बोलती है वो तो हिंदी का कसूर नहीं है वो इंडिया वालों की अपनी पाकिस्तान को तो कहीं भी भी की इजाज़त ही नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते भाई जाके क्या करेंगे इस वक्त तो हम जिस मुश्किल हालात में फंसे हुए हम आपस में लड़ सकते हैं सिर्फ या सियासत लड़ लें या गरीबी ऐसी लड़ लें हमारे मुल्क में तरक्की कितनी है फिलहाल तो जीरो नजर आ रही है आगे जाते जाते मजीद बैक हो गए हम और इतना बैक हो गए की आगे जाने के लिए भी बीस पच्चीस साल तो हमें कहीं नहीं गए जितनी दौलत है हमारे पाकिस्तान की सब मुल्क ऐसी बाहर चले गई है चल दौलत भारत में और पाकिस्तान में अब चाइना जैसा मुल्क उनको प्रेफरेंस है। आप चाइना को छोड़े भारत को देखे जो हमारा हम सया मालिक है वो कहां से कहां तरक्की कर गया है जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी करेंसी उनसे डबल थी है? अच्छा इंडिया जी आ, दो हजार सोलह में लास्ट टाइम गया था वो, 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 दो हजार सोलह में लास्ट विजिट हुआ है तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा दो में मेरे नान तो के दिल्ली में ही है दिल्ली वही इस पे होते लेकिन मैं दस मरतबा बारह मरतबा इंडिया जा चुका हूँ इस टाइम इंडिया बहुत तरक्की पे बहुत ज्यादा तरक्की पे पाकिस्तानी तरक्की पे क्यों नहीं जाते हैं? ये आपस में लड़ते रहते हैं आप जब भारत में गए तो आपने क्या क्या चीजें नोटिस की उनकी तरक्की के बारे में कुछ बताएंगे आप उनकी तरक्की ये है की वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है वो सारे मुल्क करते हैं सपोर्ट करते हैं और हमारे मुल्क में ये है की एक दूसरे की टांगे खींचते हैं चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो अमीरी गरीबी हो ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं भाई तू आगे क्यों जा रहा हो नहीं तुम नीचे आओ ना तरक्की कैसी थी वहाँ का डेवलपमेंट बताए वहाँ की ये जो मेट्रो हम अब बना रहे हैं ना ये तो वहाँ बहुत पहले की बनी हुई है ये तो हम अब बना रहे हैं कर्जे लेके बना तो रहे तक तकरीबन तकरीबन 2005 में वहाँ बनी हुई थी पाँच छे में वहाँ बनी हुई थी हम अब बना रहे हैं मेट्रो को लेके चल रहे है कि हमने मेट्रो बना ली भाई हमने मेट्रो का अचार डाले मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है जो तुम्हारी अपनी पैदावार है ओके 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 तो ये आपने एक पाकिस्तानी के व्यूज़ सुने जो कि इंडिया बारह बार जा चुका है और उसकी वजह ये है कि उसके नान के वहाँ पे रहते हैं यानी वो मतलब आधा आधा ख़ानदान इधर आ गया और आधा वहीं रह गया वेल वो उनका इशू है ऐसा जो भी था बहरल मैं इतना कहूँगा यार देखो एक बात तो माननी पड़ेगी वो ये कि इंडियंस एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं आप यूट्यूब पर देख लें आप देख लें जितने भी इंडियन चैनल्स हैं उनके उनकी ऑडियंस जो है अगर इंडियन है तो वो कितना सपोर्ट करती है उनको कि मतलब कोई चैनल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके हंड्रेड के ऐसे काम हो ठीक है तो वो और बाकायदा सजेशंस देते हैं मुझे कई लोग जो है ना जब फीडबैक देते हैं तो बड़े दिल से और कंस्ट्रकटिव uh, फीडबैक देते हैं ठीक है uh, इंडिया से जितना भी फीडबैक आता है ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी जो है वो एक दूसरे की टांगे खींचते है हैं सोशल मीडिया उस पर माँ बहन एक करके रखते हैं यूट्यूब uh, हो उस पर सियासत हो उस पर मजहब हो उस पर अब वहाँ पर वर्सटाइल हैं सनातन है मुस्लिम हैं क्रिश्चियंस हैं जूज़म है पारसी हैं लोकल वहाँ के जो ट्राइबल रिलीजन फोक रिलीजनस हैं वो हैं तो इतना कुछ है स्टिल वो ऐसे यूँ रहते हैं यूँ इस तरह यूनिटी में मतलब कहते हैं ना पाँच उंगलियाँ बन के नहीं रहते मुक्का बन के रहते हैं और कोई अगर इंडिया को कुछ बोले तो थोक भी देते हैं हमारे यहाँ सब अलग अलग हैं अगर हम आ, पाकिस्तानी हैं तो हम सिंधी बलोची में डिवाइड हैं अगर हम पंजाबी हैं तो हम जो है ना मुस्लिम हिंदूज़ में डिवाइड हैं अगर हम मुस्लिम हैं तो फिर शिया सुन्नी में डिवाइड हैं अगर हम सुन्नी हैं तो फिर देवबंदी बरेलवी एलदीस में डिवाइड हैं और अगर स्टिल तब भी किसी नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हो कि बरेलवी हो तो फिर हम तरीक़त में डिवाइड हैं कि किसका पीर कौन सा है किसका पीर कौन सा है तो टिवी एंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है और स्टिल अगर कोई इस सब से भी बाहर निकल आते तो सियासत पे डिवाइड है तो मैं इतना ही कहूँगा जी वो लोग तरक्की इसलिए कर रहे हैं उनकी तरक्की का राज है, ये है कि ये मैटर नहीं करता कि एक प्राइम मिनिस्टर तीन दफ़ा बने चार दफ़ा बने दो दफ़ा बने वो ये देखते हैं जितनी दफ़ा बने उसने काम किया है कि नहीं हमारे यहाँ बताऊँ क्या देखते हैं तीन दफ़ा तो बन गया आप क्या करेगा चार दफ़ा तो बन गया क्या करेगा एक दफ़ा तो बन गया क्या करेगा अरे भाई देखो उसने काम किया है कि नहीं अगर वो काम कर रहा है तो वेल एंड गुड अगर काम नहीं कर रहा तो उठा के बाहर फेंको डेमोक्रेसी में तो यही होते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा सी यू गाइस